नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। पाकिस्तान और मिस्र दोनों ही मुस्लिम देश अब हाशिए पर आकर खड़े हैं। आर्थिक संकटों और भुखमरी की मार झेल रहे इन दोनों देशों की कतार में अब एक और मुस्लिम देश आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, 4 सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। लेबनान की करेंसी पूरी तरह से बिखर गई है और उसका मूल्य कौड़ी के भाव हो चुका है। इसी मुद्रा संकट की वजह से लेबनान में अब खाने पीने और रोजमर्रा के सामान और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेबनान के राजनीतिक और पूंजीपति वर्ग के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बाद 2019 में लेबनान की वित्तीय मंदी आ गई है। इसके बाद से लेबनानी पाउंड लगातार गोते खा रहा है। इस संकट से पहले 2019 में एक डॉलर के मुकाबले लेबनानी मुद्रा का मूल्य 1500 के करीब था। जनवरी में लेबनानी मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले 60,000 के करीब चल रहा था। वहीं 14 मार्च को ये 1 लाख को छू चुका है। लेबनान की करेंसी इतिहास में पहली बार 10 लाख लेबानीज पाउंड प्रति अमेरिकी डॉलर तक गिर गई है। लेबनान की ऐसी हालत के बाद अब विश्व बैंक से लेकर बाकी अन्य देशों ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक लेबनान में कोई नई सरकार नहीं बन जाती जो सुधारों को लागू कर सके और भ्रष्टाचार से निपट सके, तब तक हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। विश्व बैंक ने लेबनान की मौजूदा स्थिति के लिए लेबनान के राजनेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया है। संकट की गंभीरता के बावजूद पॉलिटिकल एलीट क्लास, जिसे लेबनान की इस हालत का जिम्मेदार माना जाता है, मुद्रा की लगातार गिरावट को रोकने में नाकाम रहा। आपको बता दें कि लेबनान में धार्मिक सत्ता साझेदारी प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री का पद एक सुन्नी, राष्ट्रपति का पद एक ईसाई और संसद अध्यक्ष एक शिया के लिए आरक्षित है। अलग अलग दलों के बीच गतिरोध की वजह से लंबे वक्त से देश में राष्ट्रपति तक नहीं चुना जा सका और केवल एक कार्यवाहक सरकार है। इसकी वजह से लेबनान की 60 लाख में से 80% आबादी अब गरीबी में जी रही है और भूखे पेट सड़क पर धूल फांकने को मजबूर है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपने लिए खाना तक मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। साथ ही तेल, बिजली और दवा की आपूर्ति भी सीमित हो चुकी है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।